गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टुडे वील डिस्कस अबाउट द हेपाटाइटिस। अंडर दैट वील फोकस अबाउट द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। टुडे द डे इज 23। दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ओडिशा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर नर्सेट ENM PGI MER बिसाइड दैट अदर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। सो लेट्स कम बैक टू द टुडे सेशन। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। ओके, मैं ये आप सोचेंगे मैं कर पाऊंगा, मेरे द्वारा ही होगा, मैं इसको 100% आई विल गिव माय 100%। इफ यू विल थिंक लाइक दैट एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग योर इंटरवेंशन, डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। दैट इज द एक्चुअली सीक्रेट ऑफ सक्सेस वी कैन सी। ओके, लेट्स कम बैक टू द टुडे फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे ऑब्जर्व ऑन डेक्स एवरी ईयर, July 20, July 28, July 23, July 13। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस टुडेज इंटरेस्टिंग सेशन। वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे ऑब्जर्व ऑन डेक्स एवरी ईयर, July 20, July 28, July 23, July 13। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर July 28। वेरी गुड। ओके, आंसर हैज गिवन बाय कविता, वेरी गुड। July 28, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिस्क ऑफ हेपाटाइटिस ए इन्फेक्शन इज एसोसिएटेड विथ लेक ऑफ सेफ वाटर, पुअर सैनिटेशन, हाइजीन सच एज डर्टी हैंड। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। ओके, ऑल ऑफ द एबव, वेरी गुड। ओके, इन द अर्लियर क्वेश्चन अस्मिता ऑल्सो गिवेन द राइट रेस्पॉन्स। ओके, नॉट डी ऑप्शन। ओके, इन द अर्लियर क्वेश्चन July 30 नहीं है, July 28। ओके, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे, एवरी वन हैज टू रिमेंबर दिस वन, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। ओके, एवरी वन हैज टू रिमेंबर दिस वन। ओके, सो सही आंसर पुट अप करिए यहां पर। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर द लेक ऑफ सेफ वाटर, पुअर सैनिटेशन, हाइजीन सच एज डर्टी हैंड। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। ओके, दिव्या मट्टीन, ओके, सुप्रभा मंजरी, साइराम रायलक्ष्मी, पिंकी, कविता, जाह्नवी, तनुश्री, ऋषिकेश, तन्मयी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, तिलोत्तमा, संतोषिनी, अस्मिता, ऑल हैव गिवन द राइट रेस्पॉन्स। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ हेपाटाइटिस ई, ऑप्शन में सेक्स, बी ऑप्शन में फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, सी ऑप्शन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डी ऑप्शन में IV इंजेक्शन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा। हमेशा याद रखिए बाउल्स, ओके, बिफोर गोइंग टू दैट, बाउल्स फॉर बाउल्स। ओके, बाउल्स फॉर बाउल्स, बाउल्स कौन कौन सा होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, हेपाटाइटिस ए एंड हेपाटाइटिस ई दैट ऑकर ड्यू टू फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, इसको जरूर याद रखो, फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी, वेरी गुड, फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन, इसको जरूर, HAV HEV। ओके, ये जो होता है फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन के वजह से होता है। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, वेरी गुड, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी। ओके, लास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन सीरम इज, लास्ट एंटीबॉडी, ओके, सीरम में पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज सीरम। सीरम इज इक्वल टू, ओके, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन, प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और यू कैन से फिब्रिनोजेन,
देन देट इन उन्हें ओके देट इन उन्हें सीरम। तो सीरम में कौन सा लास्ट एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगा? ए ऑप्शन में एंटीबॉडी हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। एंटी का मतलब क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। उसके बाद एंटी एजीबीसीएजी एंटीबॉडी हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन एंटीजन। ओके इसका मतलब है एंटीबॉडी ओके हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन। ओके ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद एंटीबॉडी ओके हेपाटाइटिस ओके हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सरफेस एंटीजन। ओके ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद सी ऑप्शन में देखेंगे एंटीबॉडी हेपाटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। इसका नाम है एंटीबॉडी हेपाटाइटिस बी एनवलप एंटीजन एनवलप एंटीजन। ओके एनवलप एंटीजन। सो डी ऑप्शन में बोला है नॉन ऑफ द अबव। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लास्ट एंटीबॉडी जो सीरम में आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू ऑल हैव टू गिव द राइट आंसर। ऑलवेज रिमेंबर हियर दैट आंसर वुड बी द ई ऑप्शन एंटीबॉडी हेपाटाइटिस बी ओके सरफेस एंटीजन। ओके यहाँ पर सही आंसर होगा ई ऑप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो। पहला कौन सा टेस्ट किया जाएगा? एजीबीएस एजी बोला जाता है। उसके बाद कौन सा टेस्ट किया जाएगा? एजीबीसीएजी हेपाटाइटिस कोर एंटीजन। उसके बाद कौन सा किया जाएगा? एजीबीईएजी हेपाटाइटिस एनवलप एंटीजन। ये तीनों टेस्ट किया जाता है। पहला आपको इन्फेक्शन वायरल कैसे पता चलेगा? हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के माध्यम से पता चलेगा। उसके बाद हेपाटाइटिस जो कोर एंटीजन होता है ये बेसिकली मीन खुद जो ये होता है कोर एंटीजन, ये सीरम में आपको एलोन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ई का मतलब है ये इंडिकेट करता है एक्टिव वायरल इन्फेक्शन। ओके ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन टू सर्जन नर्स लैबोरेटरी वर्कर न्यूबॉर्न इन्फेंट्स ऑफ कैरियर मदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ऑफ एक्यूट हेपाटाइटिस बी पेशेंट। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन टू कौन कौन सा बेनिफिशियरी को दिया जा सकता है? जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड बिकॉज एवरीवन विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल। ओके सो लुक हियर, यू विल गेट द ऑल द थिंग्स हियर। हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन टू ऑल ऑफ द अबव। पहला सर्जन को दिया जाएगा, नर्स ओके लैबोरेटरी वर्कर, न्यूबॉर्न को दिया जाएगा हेपाटाइटिस बी, इन्फेंट्स ऑफ कैरियर मदर ओके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ऑफ एक्यूट हेपाटाइटिस बी पेशेंट। इसका मतलब डी ऑप्शन। वेरी गुड। ओके ऋषिकेश तन्मयी ओके तनुश्री राजलक्ष्मी सुप्रभा पिंकी मर्टिन ओके रघुनाथ अस्मिता तिलोत्तमा संतोषिनी कविता ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। आंसर विद द डी ऑप्शन। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड विद इन 4 आवर 6 आवर ओके 7 आवर उसके बाद 10 आवर। कितना आवर के अंदर हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देना चाहिए? ओके सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज गिवन टू ओके हेपाटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड विद इन 4 आवर 6 आवर 7 आवर 10 आवर। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, इट शुड बी गिवन विद इन 6 आवर, इट शुड बी गिवन विद इन 6 आवर, नॉट लेटर देन 48 आवर। यहाँ पर आपको जानना है नॉट लेटर देन 48 आवर्स। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। गॉट इट, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके आंसर विद द बी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्वेयर ऑफ हेपाटाइटिस ए इज, ये ऑप्शन में एनिमल,
बी ऑप्शन में मैन, सी ऑप्शन में बुध ए एंड बी, डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, रिजर्वियर कौन कौन है? हु इज द रिजर्वियर ऑफ हेपेटाइटिस सी? रिजर्वियर का मतलब क्या है? स्टोर हाउस। ओके, स्टोर हाउस यू कैन सी, स्टोर हाउस। ओके, रिजर्वियर। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? एनिमल, मैन, बुध ई एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। ओके, आर यू गेटिंग द साउंड क्लियरली? इफ यू आर गेटिंग द साउंड क्लियरली, जस्ट यू हैव टू, ओके सेम आंसर, यस, ओके देन आई हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए हेपेटाइटिस सी का रिजर्वियर कौन सा है। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर हियर, आंसर वुड बी द बी, ह्यूमन केसेस। ओके, ह्यूमन केसेस, ओके ह्यूमन केसेस, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हेपेटाइटिस ए जो होता है बोथ सेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा, बोथ सेक्सेस मतलब मेल में भी देखने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ इन मेल एंड फीमेल में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ज्यादा ओके चिल्ड्रन मोर अफेक्टेड रहते हैं, बच्चों में ज्यादा करके मोर अफेक्टेड, ओके मोर अफेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा? ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा आपको पूछा जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई। ओके, तो हेपेटाइटिस ए का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहला चीज है फीकोओरल, ये मोस्ट कॉमन फीकोओरल। ओके, मोस्ट कॉमन एमसी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा हो सकेगा? पेरेंट्रल, पारेंट्रल। ओके, इसके माध्यम से भी हो सकेगा। उसके बाद सेक्सुअल, ये भी हो पाएगा, बट आपको हमेशा याद रखो मोस्ट कॉमन कौन सा है? फीकोओरल रूट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और ट्रांसमिशन यू कैन सी। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी ओके फॉर चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट एंड एडल्ट। ओके, हेपेटाइटिस बी का डोज कितना मंथ है, कितना मंथ है या कितना वीक है या कितना डेड है? जीरो। ओके, जीरो डेज में सपोज आज का डेड है जीरो, मीन सिक्स नंबर डे, मीन आज सिक्स अप्रैल और सेवेंथ अप्रैल है, सेवेंथ अप्रैल को पकड़ो लाभ जीरो डोज है। ओके, उसके बाद उसका एक महीना के बाद आपको देना है, मीन कमिंग सेवेंथ मे को देना है। ओके, दैट विल बी द वन मंथ, देन आफ्टर यू हैव टू गिव द सिक्स मंथ। उसके बाद बी ऑप्शन में बोला गया जीरो वन टू मंथ, उसके बाद सी ऑप्शन में सिक्स वीक्स, टेन वीक्स, फोर्टीन वीक्स, उसके बाद डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव। हमेशा याद रखना है जो बच्चों में ओके एक साल का बच्चा को जो पेंटावेलेंट दिया जा रहा है, पेंटावेलेंट वैक्सीन, ओके पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये पेंटावेलेंट वैक्सीन में पांच तो वैक्सीन है। ओके, कौन कौन सा होगा? डीपीटी, डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टीटानस। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ओके उसके बाद एचआईबी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ओके, ये पांचों को बोला जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन। बेसिकली ये इन्फांट में आप दे रहे हैं, इन्फांट में दे रहे हैं। ओके, तो कौन सा रहेगा डोज? ओके, 016, वेरी गुड जाह्नवी, गिवेन द राइट आंसर। कविता, संतोषिनी, सुप्रभा, मोनालिसा, ओके ऑल हैव गिवेन द राइट रेस्पॉन्स। श्योर दैट आंसर विल बी द ई ऑप्शन। ओके, जीरो, ओके देन वन मंथ, देन सिक्स मंथ, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी, यहाँ पर एक्चुअली बी होगा, हेपेटाइटिस बी फॉर इन्फांट इज, ओके जीरो, जीरो मंथ, वन मंथ, सिक्स मंथ। ओके, जीरो मंथ, वन मंथ, टू मंथ, ओके सिक्स डेज, ओके सिक्स वीक्स, टेन वीक्स, उसके बाद फोर्टीन वीक्स। डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एवरी वन हैज टू गिव द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक भी करना मत भूले। हमेशा याद रखना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिक्स वीक्स में दिया जाएगा, ओके देन टेन वीक्स में देना है, ओके देन फोर्टीन वीक्स में देना है आपको। ओके, इसका मतलब पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन देना है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सा वैक्सीन रहता है? ये एएनएम स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एएनएम, ओके एएनएम,
के लिए भी इम्पोर्टेंट है एएनएम पोस्ट के लिए, और इसको मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल बोल के भी बोला जाते हैं वो पोस्ट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। ओके तो पेंटावेलेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड आएगा, उसके बाद आपका आएगा पर्टुसिस, ओके उसके बाद टीटानोस टॉक्सॉइड, ओके उसके बाद हेपाटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, उसके बाद एचआईवी, ये पांचों वैक्सीन को लेके पेंटावैक्सीन वैक्सीन बना हुआ है। ओके कौन सा वीक में देना है, 6 वीक में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ हेपाटाइटिस बी, यहाँ पर बी एक्चुअली लिखना चाहिए, ओके हेपाटाइटिस बी फॉर रैपिड प्रोटेक्शन, रैपिड प्रोटेक्शन के लिए डोज कौन सा होगा, 0, 0 मंथ, 1 मंथ, 6 मंथ, ओके देन 0 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, उसके बाद 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, उसके बाद डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर हियर, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, क्या याद रखना है, ओके अगर पूछेगा क्वेश्चन रैपिड प्रोटेक्शन के लिए, ओके कौन सा दिया जाएगा, 0 सपोज आज का है 7th अप्रैल, ओके 7th अप्रैल आज आपका 0 डोज हो गया, 0 डोज, ओके उसके बाद एक महीना के बाद बोला गया है 7th मे, ओके जो 1 मंथ का दिया जाएगा, ओके उसके बाद आपका 2 मंथ बोला है, ओके 2 मंथ में मतलब यहाँ पर 7, ओके यहाँ पर मे जून जुलाई में आपको देना है, जुलाई में 2nd दिया जाएगा, ओके जुलाई नहीं मे जून, ओके यू हैव टू गो थ्रू द जून, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके दिस वन इज द 2nd मंथ, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस, गॉट इट, आंसर विल बी द ओके ई ऑप्शन, ओके यहाँ पर ए लिख दिया गया है, सॉरी यहाँ पर जो आंसर होगा बी ऑप्शन, ओके आंसर विल बी द बी ऑप्शन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएटिव एजेंट ऑफ हेपाटाइटिस ए हेपाटाना वायरस, एंटेरोवायरस 72 जिसको पिकोरना वायरस बोल के भी बोला जा रहा है, सी ऑप्शन में हेपासी वायरस जिसको फ्लावी वायरस बोल के भी बोला जा रहा है, डी ऑप्शन में कालसी वायरस। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर, ओके तो क्वालिटी एजेंट ऑफ हेपाटाइटिस ए वायरस कौन सा होगा, यहां पर जो सही आंसर होगा एंटेरोवायरस 72 और जिसको पिकोरना वायरस बोल के भी बोला जा रहा है, आंसर विल बी द बी ऑप्शन, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, ओके गॉट इट। एंटेरोवायरस 72 इज द क्वालिटी ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपाटाइटिस ए। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी एजेंट ऑफ हेपाटाइटिस बी हेपाटाना वायरस, एंटेरोवायरस 72 जिसको पिकोरना वायरस बोल के बोला जा रहा है, हेपासी वायरस जिसको फ्लावी वायरस, डी ऑप्शन में कालसी वायरस, ओके सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए हम, ओके हेपाटाइटिस बी का अगर पूछता है क्वालिटी ऑर्गेनिज्म और क्वालिटी वेजिन, ओके तो कौन सा रहेगा, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट आंसर विल बी द हेपाटाना वायरस, ओके आंसर विल बी द हेपाटाना वायरस, ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी एजेंट ऑफ हेपाटाइटिस सी इज हेपाटाना वायरस, एंटेरोवायरस 72 जिसको पिकोरना वायरस बोल के भी बोला जा रहा है, उसके बाद सी ऑप्शन में हेपासी वायरस जिसको फ्लावी वायरस बोल के भी बोला जा रहा है, डी ऑप्शन यू आर गेटिंग द कालसी वायरस, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर, ओके हेपाटाइटिस सी का सही आंसर होगा कौन सा, सी, वेरी गुड, ओके यहाँ पर सही आंसर होगा हेपाटाइटिस सी वायरस का क्वालिटी ऑर्गेनिज्म का नाम है, ओके हेपासी वायरस और फ्लावी वायरस बोल के बोला जा रहा है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, बेसिकली आपको पूछा जाएगा हेपाटाइटिस, ओके हेपाटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हेपाटाइटिस, इसमें जो ए होता है
और ई होता है बेसिकली ये फिको ओरल रूट के वजह से होता है, फिको ओरल रूट के वजह से होता है, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये ब्लडबर्न है, ब्लडबर्न। ओके, उसके बाद जो रह गया, यू हैव गॉट इट, ए बी सी डी, इन्हें ब्लडबर्न बोल सकते हो। वो ब्लड में कहीं पर भी कॉन्टैक्ट में या बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड का कॉन्टैक्ट में, जैसे सीमेन हो गया, दैट इज वन काइंड ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, सो हैव टू गिव द राइट आंसर हियर, आंसर वुड बी द सी ऑप्शन, हेपेटाइटिस वायरस, और यू कैन से फ्लावी वायरस। गॉट इट, वेरी गुड मानसी। ओके रमेश, तन्मयी, ओके संगीता, रघुनाथ, ओके दिव्या, ओके मोनालिसा, जेना, ओके ऑल हैव गिवन द राइट रेस्पॉन्स। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएटी वेन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, ई हेपाना वायरस, एंटेरो वायरस 72, एंट्रो वायरस 72 आपका एच ई वी का है, ओके हेपाना वायरस एच बी वी का है, ओके उसके बाद हेपासी वायरस ये आपका ए सी वी का है, उसके बाद एट लास्ट यू आर गेटिंग द कालसी वायरस, ओके दैट इज द कोएटी ऑर्गेनिज्म ऑफ एच ई वी, हेपाटाइटिस ई वायरस का कोएटी ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कालसी वायरस। You all have to remember this one. Got it? Okay, now we'll come back to next question. The coative agent of hepatitis D, hepatitis, enterovirus 72, hepatitis, flavivirus, another one, the virions like. Virions like. Okay, just you have to tell me the right answer of this question. Iska sahi answer put up kari. Very good, Santoshini, Suprabha, Mansi, Raghunath, गीतांजलि, तन्मयी, मोटिन, कविता, ऑल हैव गिवन द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर वीरियर्स लाइक, ये अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, जो कालसी वायरस होता है, ओके कालसी वायरस बेसिकली उसको अल्फा वायरस बोल के भी बोला जा सकता है, कालसी वायरस इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, नोन एज क्या बोलेंगे, अल्फा वायरस, ओके अल्फा वायरस, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, गॉट इट, हैव यू गॉट इट, ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए 30 to 180 days, बी ऑप्शन में 15 to 45 days, सी ऑप्शन में 15 to 160 days, उसके बाद डी ऑप्शन में 30 to 180 days, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए इसका। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन है, ओके हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, 15 days टू शुरुआत करके 45 days हो गए, दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए, ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी 30 to 180 days, बी ऑप्शन में 15 to 45 days, सी ऑप्शन में 15 to 160 days, डी ऑप्शन में 30 to 180 days, सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर हियर वन थिंग, व्हेन एवर दैट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ द हेपेटाइटिस बी, ऑलवेज योर आंसर विल बी द कौन सा होगा, what would be the right answer here, that answer would be the, okay, A option, okay, 30 to 180 days, this is the incubation period of hepatitis B virus, okay, 30 to 180 days, you all have to remember this one, you all have to remember this one, got it, okay, now we'll come back to next question, dekhenge, द इनक्यूबेशन पीरियड हेपेटाइटिस सी, ओके 30 to 180 days, 15 to 45 days, 15 to 160 days, देन यू आर गेटिंग डी ऑप्शन 30 to 180 days, ओके 30 to 180 days इज डबल, ओके इट इज रिटेन हियर, ओके सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमेशा याद रखना है आंसर विद कौन सा होगा, हेपेटाइटिस सी का अगर पूछेगा 15 to 160 days, 15 to 160 days, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, आंसर विद 15 to 160 days, गॉट इट, वेरी गुड।
ओके साईराम, संतोषिनी, मोटिन, तन्मयी, सुप्रभा, मंजरी, ओके उसके बाद कविता, संगीता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ऋषिकेश ऑल्सो गिवन द राइट रिस्पॉन्स। ये हेपेटाइटिस का जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी दोगे कम हो जाएगा, इसीलिए माइंड में इसको रखना है, याद करना है। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस डी इज, ए ऑप्शन में 30 to 180 days, बी ऑप्शन में 15 to 45 days, सी ऑप्शन में 15 to 160 days, डी ऑप्शन में 30 to 180 days। सो हियर दैट आंसर वुड बी जो होगा, आंसर यहाँ पर जो होगा दैट इज द 30 to 180 days। ओके 30 to 180 days, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके दैट आंसर वुड वन टू 30 to 180 days, आंसर विद डी भी होगा यहाँ पर, यू कैन से आंसर विद ए भी होगा, डी भी होगा, बिकॉज इट रीजन टू टाइम्स, दैट्स व्हाई आंसर विद बोथ ए एंड डी होगा। गॉट इट? ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज, ए ऑप्शन में पेरीनाटल, बी ऑप्शन में परक्यूटानियस, सी ऑप्शन में फिकोरल, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द इबो। सो पुट योर राइट रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। हेपेटाइटिस ए का पूछा है। हमेशा याद रखना चाहिए यहां पर, ओके ये पेरीनाटल एंड परक्यूटानियस एचबी भी हो सकता है, बट फिकोरल रूट ट्रांसमिशन जो होगा एचएबी होगा। ओके हेपेटाइटिस ए वायरस होगा। ओके यहां पर आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। ओके तन्मय, ऋषिकेश, रघुनाथ, संगीता, अस्मिता, मानसी, कविता, सुप्रभा, ओके संतोषिनी, साईराम, राजलक्ष्मी, ओके मोटिन, पिंकी, दिव्या, ओके ओके रमेश, सुप्रभा, मंजरी, हृदानंद, ऑल हैव गिवन द राइट रेस्पॉन्स। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। गॉट इट? आंसर विद सी ऑप्शन। उसके बाद विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, पेरीनाटल, परक्यूटानियस, सेक्सुअल, देन डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द इबो। ओके सो पुट योर राइट आंसर, मीन इट इज ए, ओके मीन ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बर्न। हमेशा याद रखो ब्लड बर्न बोल के बोला जाता है, ब्लड बर्न ट्रांसमिशन। ओके और किस में होगा? बॉडी फ्लूइड्स। ओके बॉडी फ्लूइड्स, ओके बॉडी फ्लूइड्स के माध्यम से भी होगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वेजिनल फ्लूइड, वेजिनल फ्लूइड, ओके ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उसके बाद कौन सा हो सकता है? सीमेन हो सकता है। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, दिस आर द बॉडी फ्लूइड्स। ओके परक्यूटानियस, पेरीनाटल भी हो सकता है, सेक्सुअल होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द वेरी गुड, ऑल हैव गिवन द राइट रिस्पॉन्स। ओके आप सभी ने सही आंसर दिए। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई इज, ई कैसे ट्रांसमिट होता है? जो कालसी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ई होता है, पेरीनाटल, परक्यूटानियस, फिकोरल, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एब। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। यहाँ पर आपको याद रखना है, ओके कौन सा होगा? सी, वेरी गुड वेरी गुड रमेश। उसके बाद ओके रघुनाथ, हृदानंद, संतोषिनी, साईराम, मट्टी, अस्मिता, ओके रायलक्ष्मी, ऋषिकेश, ओके ऑल आर पुटिंग, उसके बाद संगीता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हुईज हेपेटाइटिस इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी। कौन सा हेपेटाइटिस को सीरम हेपेटाइटिस बोल के बोला जाता है? हुईज हेपेटाइटिस इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। ओके डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ओके एंड शेयर विथ योर फ्रेंड ऑल्सो। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को याद रखना है। ओके कौन सा होगा? आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर, वेरी गुड, हेपेटाइटिस सी, रायलक्ष्मी, अस्मिता, तन्मयी, कविता, सुप्रभा, ओके रमेश, ओके वेरी गुड रायलक्ष्मी, मोटिन, रघुनाथ, ओके संतोषिनी, तन्मयी, संगीता, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर।
डीसी जदुरवाई इन्होंने हेपाटाइटिस बी जदुरवाई इन्होंने सीरम हेपाटाइटिस। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। और इसमें हमेशा याद रखो जो हेपाटाइटिस ये जो बी होता है इस ये जो है ये हेपाटाना वायरस है। हेपाटाना वायरस कोईटिव ऑर्गेनिज्म, हेपाटाना वायरस इसका कोईटिव ऑर्गेनिज्म का नाम। इसका अनदर इंपॉर्टेंस अगर पूछा जाएगा आपको, इसको डबल स्टैंडर्ड ओके डबल स्टैंडर्ड और डबल सेल आर डीएनए वायरस, डबल सेल डीएनए वायरस। ये डीएनए वायरस का जो पार्टिकल्स रहता है दैट इज ऑल्सो नोन है क्या बोलेंगे इसको, डेंस पार्टिकल बोल के भी बोला जाता है। डेंस डीएनए तो डेनिस पार्टिकल बोल के भी बोला जाता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वन। इसको डिस्कवर कौन किए थे, डिस्कवर बाय ब्लूमबर्ग। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसका जो रिजर्वेयर है वो मेन ही है, रिजर्वेयर इज मेन। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर हेपाटाइटिस बी वायरस। लुइस पाश्चर, एंटोनी फॉन लीवेनहुएक, डॉक्टर बारूज ब्लूमबर्ग, उसके बाद रॉबर्ट कोच। ओके सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके हमेशा अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, जो वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है July 28 को, उसमें कुछ थीम्स रहता है। तो लास्ट ईयर का जो थीम था 2021 का जो थीम था, हेपाटाइटिस कैन नॉट वेट और कैंट वेट, ये था थीम था लास्ट ईयर थीम, यू कैन सी। ओके मैं भी इसका जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे है, ओके इसके बारे में वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा वेरी सून, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके हेल्थ डे का जरूर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन, वेरी गुड, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके डॉक्टर बारूज ब्लूमबर्ग, और यू कैन मेंशन ऐसे भी, एक्चुअली बेसिकली का जो स्पेलिंग है करेक्ट वन है, ब्लूमबर्ग। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, HBsAg का मतलब क्या है, हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपाटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। नमस्कार डियर रघुनाथ, ओके नमस्कार। तो यहाँ पर सही आंसर पुट अप करिए, HBsAg इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन। ओके कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा HBsAg का, जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोल के भी बोला जाता है, वो भी एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके एंटीजन इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। तो यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर चूज किए हैं, दे आर आंसर इज 100% करेक्ट, संतोषिनी मर्टिन, अस्मिता साईराम, ऋषिकेश, प्रियदर्शनी, तन्मयी, ऑल हैव गिवन द, कविता हैज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा। ओके सुप्रभा, ओके रीना बाला, रघुनाथ, संगीता, ओके मानसी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, HBsAg मीन्स हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपाटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, नॉन ऑफ द एबव, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके व्हाट माइट बी द राइट रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन हियर, HBsAg यहाँ पर आपको हमेशा मार्क करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके HBsAg, उसके बाद मैं बोला था HBcAg, उसके बाद आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू HBeAg, पहला सीरम में कौन सा देखने को मिलेगा, हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसके बाद कौन सा देखने को मिलेगा, ओके हेपाटाइटिस बी कोर एंटीजन, उसके बाद कौन सा देखने को मिलेगा लास्ट में एंड ऑफ इन्फेक्शन में, तो हमेशा याद रखना है हेपाटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। तो यहाँ पर दो जो है गिवन ये ऑप्शन, दे आर आंसर इज करेक्ट वन, केतकी, ओके सुप्रभा,
रघुनाथ, उसके बाद प्रियदर्शनी, तन्मयी, साईराम, मट्टीन, अस्मिता, संतोषिनी, ओके संगीता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। कविता, रमेश, ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एच बी ई ए जी, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। उसके बाद डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। सही आंसर पुट अप करिए। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमेशा आप लोगों को याद रखना है दैट आंसर वुड बी द सी ऑप्शन, तन्मयी, अस्मिता, संगीता, ओके संतोषिनी, मर्टिन, साईराम, ऋषिकेश, ऑल आर पुटिंग सी ऑप्शन, वेरी गुड। प्रियदर्शनी, सुप्रभा मुदली, सुप्रभा मंजरी, ओके केतकी, रमेश, सुखी हृदानन, ओके ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज, ए ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। मीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीजन इज नोन एज एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ओके कौन सा एंटीजन को बोला जाएगा। हमेशा याद रखो जो पहला शरीर में है मीन ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है हमको कैसे पता चलेगा, जब हम ऑस्ट्रेल एंटीजन करेंगे, ऑस्ट्रेल एंटीजन का मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जब करेंगे तो हमको पता चल जाए कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, बी, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके साईराम, ओके संगीता, अस्मिता, मर्टिन, ओके सुप्रभा मंजरी, ओके दोज हू आर पुटिंग ओके तो यहां पर सही आंसर कौन सा है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी फॉर हेपेटाइटिस बी, ओके इन्फेक्टिविटी, इन्फेक्शन ज्यादा हुए बोल के उसका मार्कर कौन सा होगा हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, उसके बाद बोला गया है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, उसके बाद हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, उसके बाद डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द ओके किसमें हमको पता चलेगा। हाउ डू यू नो दिस वन, हाउ डू यू नो दिस वन, ऑलवेज रिमेंबर इन्फेक्टिविटी ज्यादा हुआ है ब्लड में तो हमको कैसे पता चलेगा, मीन ये हमको पता कराएगा इंडिकेट्स एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, इसका मतलब ओके हमेशा याद करें, याद रखना है ओके यहाँ पर जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, दिस इज द आंसर है ओके हमेशा इसको याद रखना है ओके सी आंसर वुड बी द सी ऑप्शन ओके इंडिकेट मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी ओके बी नहीं होगा, बी विल नॉट बी देयर हियर, आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। ये इंडिकेट करेगा कि मीन वायरस का जो एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन को इंडिकेट करेगा, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द अर्लियर ऑल्सो एच बी एस ए जी, ये इन्फेक्शन हुआ है बोलिए पता चलेगा, उसके बाद हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन ये पता करेगा ओके आप लोगों को रिगार्डिंग द इन्फेक्शन ओके ज़्यादा हुआ है बोल के आपको कैसे पता चलेगा, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, इसको जरूर याद रखना है, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवेलप एंटीजन, उसके बाद डी ऑप्शन में पूछा है ओके नॉन ऑफ द एबव, ओके पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके एंटीजन इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोल के बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन ओके जिसको हमेशा याद रखिए ओके ये जो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन है ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स
ओके करेंट हेपाटाइटिस बी, करेंट हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन, करेंट हेपाटाइटिस बी इन्फेक्शन। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा, हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ओके हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन को बोला जाता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉट इट, वेरी गुड। दोज आर मेंशनिंग बी ऑप्शन, ओके देयर आंसर इज करेक्ट वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीजन टू अपीयर इन सीरम एंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, कौन सा एंटीजन है जो पहले आपको सीरम में देखने को मिलेगा, देन वो इंडिकेट करेगा फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन बोल के। ए ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। ओके डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबो। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके पुट अप करिए सही आंसर। ओके हमेशा याद रखना है, ओके आप लोगों को यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ओके दूज आर मेंशनिंग बी ऑप्शन दियर आंसर इज करेक्ट वन। प्रियदर्शनी मोटिन, उसके बाद साईराम, वेरी गुड। ओके ओके ऑल हैव गिवन द प्रियदर्शनी, दूज आर मेंशनिंग बी ऑप्शन दियर आंसर इज करेक्ट वन। मैं आपको पहले से बोला हूँ सीरम में कौन सा एंटीजन देखने को मिलेगा, हमेशा आप लोगों को याद रखना है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसको सिंपली यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। ओके कोर एंटीजन का मतलब एच बी सी ए जी, ओके उसके बाद एच बी ई ए जी। ओके इसको जरूर याद रखना है, ये सी है, ये एस है, ये ई है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीजन इंडिकेट एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कौन सा एंटीजन इंडिकेट करेगा एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन हुआ है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, उसके बाद बोला गया है नॉन ऑफ द एबो, नॉन ऑफ द एबो। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके सही आंसर पुट अप करिए। ओके तो यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए, ओके एवरीवन हैज टू नो हियर, ओके कौन सा होगा, लेट अस सी हाउ यू आर रिस्पोंडिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके बी, वेरी गुड मार्टिन, ओके दूज आर गिविंग बी ऑप्शन, बिकॉज एनवलप एंटीजन जो होता है एच बी ई ए जी, ये इंडिकेट करता है एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। ओके उसके साथ साथ ये मार्कर, ओके ये मार्कर क्या है, इन्फेक्टिविटी फॉर एच आई टी, ओके इन्फेक्टिविटी फॉर हेपाटाइटिस, फॉर हेपाटाइटिस। ओके जरूर इसको याद रखना है, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन सीरम इन, एंटीबॉडी टू, एंटीबॉडी पूछा है यहाँ, देखो एंटीबॉडी नॉट एंटीजन, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन सीरम बोला है। ओके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन सीरम इन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके तो व्हाट माइट बी द राइट आंसर हियर, ओके सम करेक्शन शुड बी नीडेड हियर। ओके फर्स्ट तो नहीं होगा, बेसिकली जो लास्ट एंटीबॉडी बोलेंगे, ओके फर्स्ट जो सीरम में आपको जो फर्स्ट एंटीजन देखने को मिलता है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन दिखता है, बट यहाँ पर यू हैव टू करेक्ट हियर दैट आंसर लास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन सीरम। तो आप लोगों का सही आंसर होगा, ओके सही आंसर होगा एंटीबॉडी
हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो इसका मतलब ऐसा है, यू कैन राइट लाइक दिस, एंटी एच बी एस, ऐसे लिख सकते हो, ये एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, गॉट इट। ये जो होगा यहाँ पर लास्ट लास्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन सीरम इज बी ऑप्शन, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीबॉडी सिग्नल्स स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, कौन सा एंटीबॉडी इंडिकेट करता है स्टॉपेज ऑफ एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन। ये ऑप्शन में एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सी ऑप्शन में एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, उसके बाद डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द यू। सो यहाँ पर सही आंसर होगा ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर, हियर जो सही आंसर होगा ये एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, और यू कैन राइट लाइक दिस ओके एच बी ई लिख सकते हो, ये है आपका एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीबॉडी इंडिकेट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, डी ऑप्शन में बोला है नॉन ऑफ द इबो। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, और यू कैन राइट लाइक दिस एंटी एच बी ई ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज डिराइव फ्रॉम ब्लड सेल प्लाज्मा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। वैक्सीन जो बेसिकली होता है दो तरह का वैक्सीन होता है, एक तो प्लाज्मा डिराइव वैक्सीन होता है, एनदर एंड द आरएनए इनिस्ट ओके। दो टाइप का वैक्सीन आपको देखने को मिलेगा, एक वैक्सीन होता है प्लाज्मा डिराइव ओके डिराइव, एनदर वन इज द आरडीएनए ईस्ट डिराइव्ड वैक्सीन। दो टाइप का वैक्सीन आपको देखने को मिलेगा ओके, दे आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन यू विल रिसीव, वन इज द प्लाज्मा डिराइव एंड अदर द आरडीएनए ईस्ट डिराइव वैक्सीन ओके, जिसको हम बोल रहे हैं ओके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बोल के भी बोला जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ओके, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इसको बोला जा रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन ओके। प्लाज्मा डिराइव में आपका आएगा फॉर्मालिन, इसमें इनएक्टिवेटेड सोबिनुड वैक्सीन है ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, प्लाज्मा आंसर होगा, तो प्लाज्मा हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल रिकवरी एंड एंड ऑफ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन, हेपेटाइटिस बी ओके एनवलप है मैं एंटीबॉडी टू, और यू कैन से हियर हेपेटाइटिस बी एनवलप एंटीजन। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। तो यहां पर आप सभी को याद रखना है एच बी एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन ओके, आंसर विल बी द ई ऑप्शन। प्लाज्मा डिराइव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ऑल्सो फॉर्मालिन इनएक्टिवेटेड सोबिनुड वैक्सीन, इज बेस्ड ऑन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, सी ऑप्शन में डिराइव फ्रॉम कैरियर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर पुट अप करिए, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका सही आंसर कौन सा होगा ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर, यहाँ पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन ओके, आंसर विद डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन डोज इज 0.05 टू 0.07 ml पर kg बॉडी वेट, इसका जो डोजेस है टू डोजेस ओके, दो डोज का जो मीन क्या अंतराल होना चाहिए 30 डेज पर, डी ऑप्शन में बोला गया है ऑल ऑफ द एबव। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू टुमारो, होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट।
टुमारो अगेन वी आर हैविंग ए इंटरेस्टिंग सेशन ओके व्हिच इज इम्पोर्टेंट फॉर नॉट ओनली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ओके नर्सिंग ऑफिसर बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ओके मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल और यू कैन से ANM थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सी यू एन अदर इंटरेस्टिंग सेशन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू